हे श्री हरि विष्णु, उठिए, आंखें खोलिए, आपको जागना होगा प्रभु, आपको शीघ्र जागना होगा। श्री हरि विष्णु शीघ्र उठिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। उठिए प्रभु, क्या करूं मैं, प्रभु तो निश्चिंत भाव से चिर निद्रा में लीन है, इन्हें कैसे उठाऊं? प्रभु उठिए, श्री हरि विष्णु उठिए, अति शीघ्र उठ जाइए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। ये तो बड़ी विचित्र स्थिति थी कान्हा, तुम विष्णु रूप में इतना उठाने के बाद भी जग क्यों नहीं रहे थे? दाऊ, क्योंकि उस समय मैं निद्रा में नहीं योग निद्रा में था। ब्रह्मदेव के प्रयास असफल रहे, मैं अर्थात विष्णु अब भी चिर निद्रा में थे। वहां दूसरी ओर मधु कैटभ के अत्याचारों से पूरा त्रिलोक कांप उठा था। अर्थात मधु कैटभ को रोकना अब पूर्ण रूप से असंभव था। प्रभु, आप निद्रा से नहीं जागे? फिर तो सृष्टि का विनाश निश्चित था कान्हा। हाँ दाऊ, ये समस्या छोटी नहीं थी, उसमें समस्त सृष्टि का भविष्य टिका था। यदि विनाश समक्ष हो तो विवेक से ही बचने का हल निकाला जा सकता है, और परमपिता ब्रह्मा ने भी हार नहीं मानी, और फिर उन्हें मिला इस समस्या का एक उपाय। हाँ, श्री हरि विष्णु की चिर निद्रा तोड़ने का अब केवल एक ही उपाय है, मुझे योग निद्रा देवी का आवाहन करना होगा। हाँ, उन्हीं का आवाहन करना होगा। हे योग निद्रा देवी, प्रकट होइए, प्रकट होइए देवी, प्रकट होइए। प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रणाम योग निद्रा देवी। कहिए, क्या आदेश है मेरे लिए? हे योग निद्रा देवी, मेरी सहायता कीजिए। क्या आप मेरे लिए श्री हरि विष्णु को निद्रा से जगा सकती हैं? हे देवी, इस समय श्री हरि विष्णु का जागना अति आवश्यक है, कृपया मेरी सहायता कीजिए। जैसी आपकी आज्ञा परम पिता। प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रणाम श्री हरि विष्णु। प्रणाम प्रभु। योग निंद्रा देवी, आप यहाँ? मैं यहाँ पे ब्रह्मदेव के आदेश पर आपको निद्रा से जगाने आई थी, किंतु इसके पीछे ब्रह्मदेव का क्या उपदेश है, इससे मैं अनभिज्ञ हूँ। अब आप मुझे आज्ञा दें। प्रणाम प्रभु। प्रणाम परम पिता। प्रणाम देवी। क्या आदेश है ब्रह्मदेव? देवी के माध्यम से मुझे जगाने के पीछे अवश्य कोई विशेष कारण होगा। नारायण नारायण। प्रणाम परम पूज्य पिताश्री। प्रणाम। प्रणाम श्री हरि। अच्छा हुआ आज समय रहते ही आप जाग गए, संपूर्ण देव लोग आज आपकी जागने की प्रतीक्षा कर रहा है प्रभु। नारायण नारायण। ऐसा क्या हो गया देवऋषि? नारायण नारायण। ऐसे क्या हो गया प्रभु, एक समस्या उत्पन्न हो गई है, और वो समस्या आप ही के कारण उत्पन्न हुई है, और आप हमसे पूछ रहे हैं कि ऐसे क्या हुआ? ब्रह्मदेव, देवऋषि की पहेलियां तो मुझे उलझा रही, अब कृपया करके आप ही बताएं कि हुआ क्या।
हे श्री हरि विष्णु, इस समय इस संपूर्ण ब्रह्मांड पर संकट छाया हुआ है। प्रभु, जब आप चिन्ह निद्रा में थे तब आपके कान की मैल से मधु और कैटप नाम के दो दैत्य उत्पन्न हुए। उन्होंने अपने बल से इस संपूर्ण ब्रह्मांड पर एकाधिकार कर लिया है प्रभु, यहाँ तक कि बलपूर्वक मुझसे मेरा आसन तक छीन लिया है। वो आप ही का अंश है प्रभु, अब आप ही उनका अंत कर सकते हैं। आप ही हमें इस समस्या से उबार सकते हैं प्रभु। हमारी सहायता कीजिए प्रभु, हमारी सहायता कीजिए। अब आप ही को उन्हें रोकना होगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा प्रभु। आप चिंतित न हो ब्रह्मदेव, यदि वो दैत्य मेरे अंश से जन्मे तो उनकी मृत्यु भी मेरे हाथों होगी, मैं स्वयं उनका अंत करूं। नारायण नारायण, उत्तम अति उत्तम, प्रभु की जय हो, श्री हरि की जय हो। फिर तो आपने बड़ी सरलता से दोनों का वध कर दिया होगा। कहाँ जा रहे हो कान्हा? मेरे प्रश्न का उत्तर तो दो। नहीं दाऊ, मधु और कैटप का अंत करना इतना सरल नहीं था। मधु, कैटप, कहाँ हो? प्रकट हो। आश्चर्य होता है केटव, ब्रह्मदेव तो बड़े ही कायर निकले। लगता है हमारे समक्ष खड़े रहना उनके वश की बात नहीं थी, तो विष्णु देव को भेज दिया। अच्छा, तो तू हमसे युद्ध करेगा? मैं तुमसे युद्ध नहीं करूंगा मूर्खो, मैं तुम्हें समझाने आया हूँ, और यदि तुम मेरी बात नहीं समझे तो तुम्हारा अंत मेरे हाथों होगा। अरे तू क्या हमारा वध करेगा? तेरा वध तो हम करेंगे अभी और इसी क्षण। अब तो तू अवश्य भस्म होगा विष्णु। मुझे भस्म करना तुम्हारे बस की बात नहीं। ये कैसी विचित्र माया? ये असुर मुझे चक्रवात में फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है? Ha ha ha!
मानो कि मेरे कानों को भेदते हुए जा रही है। ये क्या? इस गोली से मैं किसी को बचा रहा हूं। नहीं, किंतु ऐसा कैसे हो सकता है कान्हा? तुम्हारे किए हुए वार से दोनों वापस कैसे जीवित हो सकते थे? तुम तो सर्वशक्तिमान थे। इस बात का आश्चर्य तो मुझे भी था दाऊ। उनका अंत करने के मेरे सभी प्रयत्न विफल थे। वो भयंकर युद्ध आसान नहीं था। ये युद्ध बहुत समय तक चला था। इतने समय तक एक ही दैत्य से आप लड़ते रहे? हाँ दाऊ, नीतियों को पलटने के लिए किए गए संघर्ष सदैव बहुत लंबे होते हैं। फिर ये युद्ध कितने समय तक चला प्रभु? तुमने हमारे साथ ये कैसी अनुभूति है? आ, 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 आ,
साथ ऐसा अंतहीन युद्ध करने का कोई लाभ नहीं है। मुझे कोई और उपाय करना होगा। क्या आपने उन दुष्टों का अंत कर दिया है? कहिए ना। नहीं ब्रह्मदेव, उनका अंत असंभव है। मैंने युद्ध के समय उन्हें मारकर उनके शरीर के अनेकों टुकड़े कर दिए, परंतु वो पुनः जुड़कर फिर से युद्ध के लिए तैयार हो गए। नारायण नारायण, यह आप क्या कह रहे हैं प्रभु, क्या कह रहे हैं आप? अब यदि आप भी उन असुरों के समक्ष हार मान जाएंगे तो हमारा क्या होगा प्रभु? क्षमा कीजिए प्रभु, किंतु वे असुर आपके अंश से ही जन्मे हैं। कोई आपका उत्तरदायित्व है उन असुरों से समस्त सृष्टि की रक्षा करें। नारायण नारायण। और प्रभु, यदि आप इसमें असमर्थ रहे तो विनाश हो जाएगा प्रभु, घोर विनाश, संपूर्ण ब्रह्मांड में विनाश हो जाएगा। कुछ कीजिए प्रभु, शीघ्र कुछ कीजिए। शांत हो जाओ नारद, शांत हो जाओ। आप क्यों व्यर्थ ही भयभीत करने वाली बातें करते हैं? नारायण नारायण, क्षमा चाहते हैं परम पूज्य पिताश्री, हम तो केवल सचेत कर रहे थे। विष्णुदेव आप कुछ बोलिए ना, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि उन दोनों को अमृतत्व का वरदान प्राप्त है। नारायण नारायण, अमृतत्व का वरदान अर्थात भविष्य में संपूर्ण सृष्टि पे असुरों का राज्य होगा और हम सभी देवताओं को असुरों की सत्ता स्वीकारनी होगी। नारायण नारायण, अब हम क्या करेंगे परम पूज्य पिताश्री, कहाँ जाएंगे हम? नारद शांत हो जाइए, हमें कुछ उपाय सोचने दीजिए। नारायण नारायण, इन परिस्थितियों में अब यही हमारा भविष्य है परम पूज्य पिताश्री। विष्णुदेव, हमें यथाशीघ्र ही इस रहस्य को जानना होगा कि आखिर मधु और कैटब को अमरता का वरदान दिया किसने। ये सत्य है, तुमने मेरी कठोर तपस्या की है और मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, अतः मुझे तुम्हें वरदान अवश्य ही देना होगा। आप हमें इच्छा मृत्यु का वरदान दीजिए। तथास्तु। क्या हुआ ब्रह्मदेव, आप इतने विचलित क्यों लग रहे हैं? अनर्थ हो गया विष्णुदेव, अनर्थ हो गया। माँ भगवती ने ही इसे चमत्कार किया है, मधु और खेटप को इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया। नारायण नारायण, यदि ऐसा है तो उन दोनों असुर भ्राताओं का अंत होना असंभव है, असंभव। नारायण नारायण। ब्रह्मदेव, आदि शक्ति का दिया हुआ यह वरदान अकाट्य है और हम सब उनके इस वरदान के समक्ष विवश हैं। फिर क्या हुआ कान्हा, क्या उस समस्या का कोई उपाय नहीं था? रुको पुत्रों, देखो मार्ग में कांटा, कहीं तुमको चुभ गया तो? धन्यवाद काकी, आप हमें सतर्क नहीं करती तो इस कांटे के चुभने की पीड़ा हमें सहनी पड़ती। हाँ काकी, दाऊ सत्य कह रहे हैं, आपके बिना कुछ भी संभव नहीं था। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। अच्छा कृष्णा, आगे की घटना बताओ, मधु कैटब का अंत
संभव हो पाया अथवा नहीं। असंभव को संभव करने के लिए भी शक्ति की आवश्यकता होती है दाऊ। और मेरी उस समस्या का हल भी उसी महाशक्ति के समीप था। महाशक्ति माँ भगवती के सिवा कोई हमें इस विपदा से नहीं बचा सकता था। माता दर्शन दो, हे जगत जननी माता दर्शन दो, दर्शन दो माता। इस सृष्टि को आप केवल आप ही विनाश से बचा सकती हैं। दर्शन दो माता। प्रणाम माते। प्रणाम माते। ब्रह्मदेव, विष्णुदेव, देवऋषि, आप आज अचानक मेरा स्मरण कैसे किया? किंतु मैं देख रही हूँ आप सब बहुत चिंतित लग रहे हैं। अनर्थ हो गया माते, अनर्थ हो गया। बस यूँ समझिए कि संपूर्ण सृष्टि का भविष्य अब आप ही के हाथों में है। हम सब आपके शरण में आए हैं माते, हमारी सहायता करें। हे जगत जननी, शीघ्र अति शीघ्र कुछ कीजिए। हे माता, आपने मधु और कैटब को इच्छा मृत्यु का वरदान क्यों दिया? आपसे ये वरदान पाकर सारे ब्रह्मांड में विनाश मचा रहा। आपने उन्हें ये वरदान दिया ही क्यों? वो दोनों दुष्ट इसके कदापि योग्य नहीं थे। मैं जानती हूँ कि आप सबको ये अनुचित लगा होगा, किंतु अपने भक्तों को वरदान देना मेरा कर्तव्य है। मधु और केटव ने मुझे प्रसन्न करने के लिए हजारों वर्षों तक मेरी भक्ति की है, अतः मुझे विवश होकर उन दोनों असुरों को वरदान देना पड़ा। किंतु माथे, इस वरदान को पाकर मधु और केटव ने पूरे ब्रह्मांड का विध्वंस करना आरंभ कर दिया है और उन्हें अपनी मृत्यु का भी कोई भय नहीं है। हे जगत जननी, अब आपको ही उन दुष्टों से हमारी रक्षा करनी होगी। नारायण नारायण। हाँ माते, परिस्थिति इतनी विकट हो गई है कि उन दोनों असुर भ्राताओं ने स्वयं परम पूज्य पिता श्री ब्रह्म देव को अपना आसन छोड़ने पे विवश कर दिया। स्वयं पिताश्री अपने प्राणों की रक्षा करते हुए यहाँ पे आए हैं। माता कुछ कीजिए, माता शीघ्र कुछ कीजिए। हाँ माते। किंतु मुनिवर, मैं अपना दिया हुआ वरदान पुनः वापस नहीं ले सकती। माता ने अपना वरदान वापस नहीं लिया तो फिर माता ने तुम्हारी सहायता किस प्रकार की? किस माता के बारे में बात कर रहे हो तुम दोनों? मैं तो सदैव ही तुम दोनों का साथ देती हूँ। हम तो आप ही की बात कर रहे थे मैया। मैं दाऊ से कह रहा था हमारी मैया कितनी अच्छी है, कितना प्रेम करती है हमें। लल्ला, क्या बात, आज अपनी मैया पे इतना प्रेम क्यों मर रहा है? अब बता भी दो, क्या योजना है तुम दोनों की, क्या चाहिए सब बता दो। मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगी, बस केवल माखन को छोड़ दो, क्योंकि मैंने आज माखन को एक बहुत ही सुरक्षित स्थान पर छुपा दिया है। आज तुम्हें माखन नहीं मिलने वाला। आपने अपने घर का माखन तो बचा लिया मैया, किंतु मैया अभी पूरे गोकुल का माखन है ना, हम आज वही खा लेंगे, उसे तो आप हमसे बचा नहीं पाएंगी। क्या क्या कहा तूने? तू दूसरों का माखन चुरा कर खाएगा? रुक, अभी बताते। भागो। हमें मूर्छित करके न जाने कहां चला गया वो कायर। साहस होता तो हमारे समक्ष खड़ा रहकर हमारा सामना करता। ये क्या हो रहा है केटव? ऐसा लग रहा है जैसे मेरा मस्तिष्क घूम रहा है। ऐसा लग रहा है
जैसे हम पर मत जगह प्रभाव पड़ रहा है। आ गए तुम, हम कब से तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। छल से मूर्छित कर भागने को विजय नहीं कहते। साहस है तो युद्ध कर, हम तेरा अंत कर देंगे। झूठ बोल रहे हैं ये सब। है तो उस कृष्णा के ही मित्र ना, अवश्य इन्हें भी उसने माखन का लालच दिया होगा, इसीलिए तो सत्य नहीं बता रहे। नहीं काकी, हम सत्य कह रहे, हमें नहीं पता कि गांव का सारा माखन किसने चुराया। देखो बच्चों, सत्य सत्य बता दो, आखिर गोकुल का माखन अदृश्य कैसे हो गया, माखन चुराया किसने? ये समस्त गोकुल जानते हैं कि इस गांव में एक ही माखन चोर है, और वो है कान्हा। और ऐसा कोई पहली बार तो हुआ नहीं है, कान्हा ऐसा कई बार कर चुका है। अरे तुम सब ऐसे कैसे आरोप लगा रहे हो जब तुम्हें सत्य नहीं पता। हो सकता है लल्ला ने माखन ना चुराया हो। अरे काकी, तुम नहीं हो इस गांव में इसलिए तुम्हें नहीं पता, एक ही माखन चोर है और वो है कृष्णा। पहले ऐसा हुआ इसका ये अर्थ तो नहीं कि इस बार भी माखन मेरे पुत्र ने ही चुराया। सत्य सबके समक्ष आ जाएगा। हो सकता है कि मेरा लल्ला निर्दोष हो। तुम्हारा लल्ला तो ये देख नहीं रहे यशोदा, तुम अपने पुत्रों मुंह में अंधी हो चुकी हो, अन्यथा सत्य तुम्हें भी समझ आ जाता। तू हमसे संघर्ष करने का साहस नहीं कर सका तो हमें मूर्छित करके भाग गया था। आज तू नहीं बचेगा, तेरा अंत कर देंगे। हंसकर क्या तू हमें इस भ्रम में डालना चाहता है? तू निर्भय है। मैं तुम दोनों को यहाँ कुछ दिखाने नहीं आया, मैं तो तुम्हारे युद्ध कौशल से प्रभावित हुआ, तुम्हारे पराक्रम से प्रसन्न हूं और इसीलिए तुम दोनों को वरदान देने आया। कहो क्या वरदान चाहिए तुम? क्या कहते हो कान्हा, तुमने दैत्यों को वरदान मांगने का अवसर दिया, ऐसा कैसे कर सकते हो? दैत्यों को वरदान और वो भी बिना किसी तपस्या के, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ, दैत्यों ने क्या मांगा? नहीं नहीं दाऊ, मैंने मधु कैटब को कोई आशीष नहीं दिया था। नारायण नारायण, प्रणाम प्रभु, प्रणाम परम पूज्य पिताश्री। प्रणाम नाराज। प्रभु ये क्या कर रहे हैं आप, कृपा करके ऐसी भूल ना करें प्रभु, आप इन असुरों को वरदान दे रहे हैं। इन्हें वरदान देना अर्थात अपने वरदान का अपमान करना, कृपा करके ऐसा ना करें प्रभु, ना करें। कौन हो तुम? नारायण नारायण, हमारे परिचय से तुम्हें लाभ नहीं होगा, किंतु हाँ यदि लाभ होगा तो श्री हरि के आशीर्वाद से। मांगो, क्या मांगते हो? श्री हरि तुम्हारी समस्त इच्छाएं पूर्ण करेंगे, मांगो। आश्चर्य केटव हमसे परास्त हुआ, आज हमें वरदान देगा। हमें तुम्हारे वरदान की कोई आवश्यकता नहीं है विष्णु, कि हमें पहले से ही वो वरदान मिला है जिसके कारण अब हम इस सृष्टि में सबसे अधिक शक्तिशाली बने हैं। ना हमें देवता मार सकता है और ना ही कोई दैत्य हमें वरदान देकर तू हमें नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा है। अरे मांगना तो तुझे चाहिए, मांग, क्या चाहिए तुझे, हम देते हैं तुझे वरदान। नारायण नारायण, ये क्या प्रभु, अब ये दानव हम देवताओं को वरदान देंगे,
यदि ऐसा हुआ प्रभु तो संपूर्ण सृष्टि में इन्हीं का पूजन होगा प्रभु। कुछ कीजिए, शीघ्र कुछ कीजिए प्रभु। नारायण नारायण। तुमने सही सुना नारद, आज हम इस विष्णु को वरदान देंगे। मांगो विष्णु, क्या वरदान मांगते हो, मांगो। अपने से अधिक सामर्थ्यवान से मांगने में कैसी लज्जा। मांगो विष्णु, क्या मांगते हो। सबको ज्ञात हो जाने दो कि देव, असुर, मानव, किन्नर से भी शक्तिशाली है मधु और केतव। बहुत कुशलता से आपने हमारी योजना का पहला चरण पूर्ण कर लिया है श्री हरि विष्णु। अब ये दोनों भ्रमित हो चुके हैं। मधु और केतव मध्य पूर्ण प्रभाव में हैं। आगे तो आप जानते ही हैं कि आपको क्या करना है। हाँ देवी। सोच क्या रहे हो विष्णु, मांगो, क्या वरदान चाहिए तुम्हें, मांगो। सावधान, सचेत रहना भ्राता, ये विष्णु बहुत ही बड़ा छलिया है। हो सकता है इसके भी पीछे इसका कोई छल छुपा हो। अब इसका छल नहीं चल सकता। भला एक पराजित योद्धा हमसे क्या छल करेगा। मांगो विष्णु, क्या वरदान मांगते हो तुम। वरदान तो सदैव देवताओं द्वारा दिया गया है, और देवता वरदान देने के पश्चात उसे पलटते नहीं। एक बार वचन दे दिया तो उसे पूर्ण करना उसका कर्तव्य है। और तुम तो ठहरे दैत्य, तुम पर कोई कैसे विश्वास कर सकता है। क्या पता वचन देने के पश्चात तुमने उसे तोड़ दिया तो। ये क्या कह रहे हो मूर्ख, हम कोई साधारण दैत्य नहीं है। एक बार मधु और केतव ने जो वचन दे दिया सो दे दिया, हम अपने वचन से कभी पीछे नहीं हटते। मांगो, क्या वरदान मांगते हो तुम। उचित कहा भ्राता ने, आज हम तुम्हारी हर इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे। मांगो। तो ठीक है, यदि तुम मुझे वरदान देना ही चाहते तो मैं तुमसे तुम्हारी इच्छा मृत्यु की शक्ति मांगता हूं। इसका अर्थ है कान्हा, तुमने उनके साथ छल किया। नहीं दाऊ, छल नहीं। ऐसे शक्तिशाली दैत्य को पराजित करना आवश्यक था, और इसीलिए मैंने युक्ति का प्रयोग किया। जब कोई बुद्धि और बल से आपके समान हो तो उसे पराजित करने के लिए युक्ति का प्रयोग आवश्यक होता है, और मैंने भी यही किया। क्या हुआ असुरो, मौन क्यों हो, अपना वचन पूर्ण करो। अपना इच्छा मृत्यु वरदान हमें शीघ्र अति शीघ्र लौटा दो। नारायण नारायण। विष्णु, दिखा दी अपनी मूर्खता। तुम्हें अनुमान भी है तुमने क्या मांगा है। तुम्हारे ऐसे दुस्साहस के लिए हम तुम्हारे प्राण हर लेंगे। नारायण नारायण। प्रभु, हमने कहा था वरदान लेना या अपने वचनों का पालन करना इन असुरों के वश की बात नहीं। ये हमेशा अपने वचन से पीछे हट जाते हैं प्रभु। हम पलट नहीं रहे विष्णु, तुम्हें और कोई वरदान मांगना है तो मांगो, हम अवश्य देंगे। किंतु इच्छा मृत्यु का वरदान हम तुम्हें नहीं दे सकते, क्योंकि ये तो छल है,
तू हमसे अपनी पराजय का प्रतिशोध लेना चाहता है। हमने सही सुना था विष्णु, तू तो बहुत ही बड़ा छलिया है। अब तुम मुझे छलिया कहो या कुछ और, मुझे जो मांगना था वो तो मैंने मांग ही लिया, और यदि तुमने वो मुझे नहीं दिया तो समस्त सृष्टि और दैत्य समुदाय में तुम्हारा उपहास बनेगा। देख लिया, इन देवताओं पर विश्वास करने का परिणाम, मैंने पहले ही कहा था, इस चलिए से सावधान रहो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये विष्णु मुझसे इच्छा मृत्यु का वरदान मांग सकता है। हे श्री हरि विष्णु, अब एक दैत्य से और आशा भी क्या की जा सकती है। हमने आपको पहले भी कहा था, केवल देव ही अपने वचनों का पालन कर सकते हैं, कोई भी दैत्य नहीं। देखा ना आपने, वरदान मांगते ही ये किस प्रकार बालकों की भांति हट करने लगे।